हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट, हम थोड़ा वेट करते हैं 2-3 मिनट का, जब तक बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सबको गुड इवनिंग। थैंक यू एवरीवन। शबनम गुरु जी, ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग जितने बच्चे भी ऐड ऑन हुए हैं। तो स्टूडेंट्स बड़े लेट लतीफ होते हैं, सुबह से बता के रखा है कि लाइव सेशन है 7:30 बजे, बट अभी तक अंकित सेत्ती जी बोल रहे हैं कि सर कैन यू प्लीज क्लियर दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एज वी हैव ऑलरेडी डन विद इट। डेफिनेटली अंकित, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या एक बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। सबको नमस्कार, जितने भी बच्चे अभी एड ऑन हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट, लास्ट जब हम लोगों ने सेशन किया था डिस्कस, तो आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आई होप कि कोई आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, शबनम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मैं कई बार स्ट्रीम में ऐसा होता है कि वो 1-2 मिनट का वो रहता है, मैं पहले ही टाइम से आके बैठ जाता हूँ, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ओके, देखिए, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो मैंने आपको थ्योरी का एक बेसिक वो बताया था। तो हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बेसिकली इन सारे पार्ट्स में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। हम अगर एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख के चलें, तो वो हर बच्चा जिसका एक बेस बहुत स्ट्रांग होता है, उसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि वो हार्ड एरिया में कहीं पे कुछ ऐसा परेशान हो, क्योंकि बेस अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है आपको कितनी भी टफेस्ट यूनिट आए, कुछ भी आए, आप इजिली उसको कवर अप कर लेंगे। और मैं हमेशा, आप चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर स्पेशली एक मिथ है, और वो ये है कि भारत में पॉलिटिकल साइंस का मतलब लोग समझते हैं कि या तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिटिकल साइंस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, जो इन टर्म्स ऑफ एग्जाम में जो परसेंटेज है इसकी, जितने क्वेश्चंस आते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी नॉलेज के बेसिस पे भी, एंड बहुत रट्टाफिकेशन वाला पार्ट होता है। अगर किसी भी आप SSC के या सिविल सर्विस के एस्पिरेंट से मिलेंगे, तो शायद पूरा इंडियन पॉलिटी, पूरा इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रटा हुआ होता है ऑन टिप्स। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसपे अगर आप टाइम कम दें बट रेगुलरिटी मेंटेन कर लें, तो कवर अप हो जाएगा। स्पेशली IGP की जो हमारी यूनिट है, तो उन दोनों यूनिट के लिए, 7 और 8 यूनिट जो है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे एक छोटा सा एवरेज ले लेंगे कि एक टॉपिक मुझे रैंडमली पढ़ना है, तो एक तो सब बहुत ईजिली अवेलेबल है हर जगह, दूसरा रट्टा, मतलब रट्टाफिकेशन भी कहूंगा थोड़ा सा मैं, क्योंकि आपको याद करना पड़ता है आर्टिकल्स कितने हैं, अमेंडमेंट क्या है, कौन सा आर्टिकल कहाँ आया, कौन सा केस हुआ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स में क्या है भारत में, ये सब चीजें बेसिक हैं। तो एक वो एरिया ऐसा होता है जो बच्चे के ऊपर मुझे कहते हैं कि सर IGP पहले पढ़ाना चाहिए, या हम यहाँ गए IGP पहले पढ़ाया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर वो टीचर या हर वो बच्चा जिसको पॉलिटिकल साइंस की समझ नहीं है, वो IGP से शुरुआत करता है चीज़ों को पढ़ाने की, बट IGP एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो उसके लिए कभी भी आप परेशान मत होइए। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लिए मैं ऐसे अजम्पशंस नहीं रखूंगा, बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जब आपको समझना है, तो आपको सारे जितने भी हमारे थिंकर्स रहे, देर आर दी वराइटीज ऑफ थिंकर्स, वराइटी इन सेंस कि उनकी जो नॉलेज है जिस एरिया में वो डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं, तो वराइटी रही है। जैसे कि मैं अम्बेडकर जी की बात करूं, तो सोशल अपलिफ्टमेंट की बातें होती थी, गांधी जी भी इसी तरह के आइडियाज दिया करते थे, रिलीजियस थॉट्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे उसमें, फेमिनिस्ट रहे, रियलिस्ट रहे। तो इसलिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज है, अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो एक बेसिक सिनेरियो है उसको समझना पड़ेगा। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को लेके जिन बच्चों को डाउट रहता है, मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को जब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो हमारे मोस्टली जितने भी थिंकर हैं, वो सब, अगर मैं JPEG की बात छोड़ दूं या
एक दो और थिंकर पेरियर वगैरह को इनको हटा दूं मैं, तो ज्यादातर थिंकर या तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे रहे, उस एरा में रहे, या उससे पहले रहे थे, थोड़ा पहले, ठीक है, इंडिपेंड मतलब जब भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, उससे पहले तक वो सर्व सुधार चुके थे या उस समय में एग्जिस्ट करते थे वो लोग। तो हम लोग ये सोचते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का मतलब है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड ऑल, बट एटलीस्ट अगर आपको इतना आइडिया है कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल क्या थी, किस तरह की अलग अलग वे में स्ट्रगल को किया जा रहा था, तो आपको ये कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में इतनी वर्सटैलिटी क्यों है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग जब सावरकर की बात करते हैं, हम लोग जब गांधी जी की बात करते हैं, ठीक है, हम बर्नी की बात करते हैं, तो टेक्निकली अगर मैं बर्नी को पढ़ूँ या कबीर को पढ़ूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में इनका एक्चुअल में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बर्नी हो गए या फिर कबीर हो गए, कबीर तो एक पोएट हैं और पोएट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को रखते हैं, बट अगर आप कबीर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कबीर अपने समय में जिस तरह के विचार दे रहे थे, जिस तरह के आइडिया दे रहे थे, कबीर ने अपने समय में एक क्लासलेस सोसाइटी की इमेजिनेशन की थी, ठीक है, वुमेंस अपलिफ्टमेंट की बात की थी, वुमेंस का जो उनके घर पे जो काम करती हैं औरतें, उस काम को भी एक एक तरह से एक वर्किंग प्रोफेशन कहते हैं कबीर। कबीर ये कहते हैं कि हर स्त्री जो घर पे रह के अपने काम करती है, डेली बेसिस के जो उसके काम है, वो काम भी आप उनको भी काउंट कीजिए। फेमिनिस्ट इस तरह की बातें करते हैं, फेमिनिस्ट आपसे पूछते हैं कि आपकी फादर क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं कि उस प्रोफेशन में, अच्छा बोलते हैं कि आपकी मदर क्या करती है, तो आप रिप्लाई करते हैं दैट शी इज अ हाउसवाइफ और होम मेकर, तो ऐसे में वो कहते हैं कि नहीं, वो ऐसे लाइक इट इज ऑल्सो वर्क, काउंटेड एज अ वर्क, इट इज अ फुल टाइम प्रोफेशन जो आपकी मदर कर रही है। तो इस तरह के कुछ आइडिया कबीर अपने समय में देते हैं। कॉन्सेप्ट था बेगमपुरा का, जिसमें वो एक आइडल स्टेट की इमेजिनेशन करते हैं, किंग किस तरह से वर्क करेगा, इस चीज को समझाते हैं। सेम आइडियाज को अब आगे चल के जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो, तो मैं तो बल्कि क्लास में ये बात को बोलता भी हूँ कि डेफिनेटली या तो कबीर को कार्ल मार्क्स पढ़ के आए होंगे, या इस तरह के आइडियाज की थोड़ी सी नॉलेज होगी। जैसे कि गांधी जी ने मैकियावेली को बोला था कि मैकियावेली का जो द प्रिंस है वो अर्थशास्त्र से इंस्पायर लगता है, तो मैकियावेली ने हो सकता है जरूर से अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स चाहे वो एंशिएंट टाइम से चलती आई हो, जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं, हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये वहां से जो आइडियाज हैं आपको बड़ा एक मर्जर सा नजर आता है दोनों तरफ। तो नो डाउट कि जो एक एक कॉमन सिविलाइजेशन जुड़ी रही यहाँ वहां से, उससे ये आइडियाज इधर से उधर हुए। अब वर्सटैलिटी इस तरह से भी है कि जब गांधी जी से थिंकर आते हैं, तो हम गांधी जी को सिर्फ इस बेसिस पे जानते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अपना रोल प्ले कर रहे थे, या गांधी जी ने जो है अहिंसा की बात की, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज गांधी जी रखते थे। गांधी जी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इकोनॉमी को लेके, इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव्स को लेके, आने वाली सोसाइटी को लेके। नेहरू जी और गांधी जी के बीच में एक बड़ा मतभेद इसी बात को लेके था कि गांधी जी कहते थे कि भाई एक ऐसी सोसाइटी हो जो सेल्फ सफिशिएंसी पे बिलीव रखे, ठीक है, पूरी तरह से खुद की एक विलेज इकोनॉमी सिस्टम जो था भारत का, जहां पे एक विलेज के अंदर सब कुछ होता था, गांधी जी इस तरह की सोसाइटी की इमेजिनेशन रखते थे, ठीक है, जबकि नेहरू जी कहते थे कि मॉडर्नाइजेशन को अपनाओ। तो ये एक अलग बिल्कुल थॉट प्रोसेस है जहां पर वो लोग इतनी बेसिक चीजों को कंसर्न कर रहे हैं। अंबेडकर जी, जिनको आप सिर्फ इतना जानते हैं कि ये कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने अपनी स्ट्रगल करी, बट आप अंबेडकर जी को इनडेप्थ जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सोशल चेंजेस में अंबेडकर जी का जो रोल था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल था पूरी इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अंबेडकर जी बात करते हैं, वुमेन्स राइट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं अंबेडकर जी अपने समय में। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम नॉलेजेबल आइडियाज थे उस समय पे, तो ये वर्सटैलिटी को क्रिएट करते हैं इस फील्ड के अंदर। एम एन रॉय की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट मैक्सिकन पार्टी की जो है नींव रख के आए थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको भारत लेके आते हैं। शुरू में कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े फैन होते हैं, बट धीरे धीरे समझ में आता है कि जो कार्ल मार्क्स के आइडिया हैं वो शायद हमारी सोसाइटी में या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। लेनिन, एक समय लेनिन को बहुत प्रेज करते हैं, दूसरे ही समय लेनिन से विवाद हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जो है धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक बहुत डायनामिक फॉर्म में आ जाती है। तो जब बच्चे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन इस बात पर होती है कि वो थिंकर्स को रिलेट नहीं कर पाते क्वेश्चंस के साथ। उनको लगता है कि अच्छा इसने तो ऐसा कहा ही नहीं होगा, अच्छा वो तो ऐसा कह ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या आप लोग जानते हैं गांधी जब इकोनॉमी की बात करते थे, तो गांधी जी वुमेन अपलिफ्टमेंट की जब बात करते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे पेट्रार्की जो है
ठीक है, पेट्रार्कल सिस्टम्स को क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी, और ये कहते हैं कि जो पेट्रार्कल सिस्टम है वो वुमन एक्सप्लोटेशन का एक जो है एक मोड बन चुका है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम जो था, रोतवारी की जो प्रथा थी, इस तरह इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव से। तो ये सारे थिंकर्स को अगर आप पढ़ें वन बाय वन, तो मैं सबसे पहले तो एडवाइस दूंगा कि आप एक चार्टिंग कीजिए कि आपको किन किन थिंकर्स को एक साथ पढ़ना है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप गांधी जी को, अम्बेडकर जी को, इन दो थिंकर्स को एक साथ पढ़ें, ठीक है, सावरकर को और इकबाल को आप एक साथ पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि एक रिलीजियस थॉट प्रोसेस क्या है। बर्नी, सावरकर, इकबाल को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिलीजियस चेंजेस आपको नजर आते हैं यहाँ पर। गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग। अवनीश सिंह जी पूछ रहे हैं सर पॉलिटिकल ऑथर्स भी पूछते हैं, डेफिनेटली सर पूछते हैं पॉलिटिकल, यू नो बुक्स कौन सी लिखी गई, कैसे लिखी गई। उजम सफी जी पूछ रहे हैं सर व्हाट्सएप पे क्यों नहीं करते, क्या करना है उजम जी व्हाट्सएप पे बताइए मुझे। बाकी सबको गुड इवनिंग, ओके, ठीक है। आई थिंक इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे जो एक आपका डाउट है ये क्लियर हो गया होगा, साथ ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। बशर नहीं, हाँ बशर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ने का एक बड़ा सिंपल सा हमारा तरीका ये रहेगा कि हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ज़रूर लें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को जब आप पढ़ते हो तो कई ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है वो उस फ्रीडम स्ट्रगल की जो नियम नॉलेज के बिना अधूरी रह जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं अरबिंदो जी की बात करता हूँ, अरबिंदो जी की लाइफ को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है, जबकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अरबिंदो जी की लाइफ में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ने को मिलता नहीं है। अब श्री अरबिंदो जी आते थे बंगाल की एक नोबल फैमिली से, बड़े रईसी में पले बड़े, ठीक है, बचपन से ही वो बंगाली जो यू नो लिंग्विस्टिक्स थे और जो पोएट्री थी और जो नेशनल पेट्रियोटिक वैल्यूज थी उसको वो सुनते आए थे, तो वो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। पढ़ने जाते हैं इंडिया से बाहर, पढ़ के आते हैं, पढ़ के जब वापस आते हैं यू नो तो उन लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मुझे हिस्सा बनना चाहिए, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। बट इस स्ट्रगल के अंदर 1905 का जो बंगाल विभाजन है वो श्री अरबिंदो जी को बहुत बड़े तौर पर इफेक्ट करता है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के अब एक पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करेंगे, और उस समय वो एक एग्रेसिव तौर पर पॉलिटिकल करियर का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। आगे चल के ऑल दो कुछ इंसिडेंट होते हैं, 1909 में उनको जेल भेज दिया जाता है मनीकोट बॉम्ब ब्लास्ट केस में, फिर वहां से वो बाहर आते हैं एंड फाइनली वो पॉलिटिकल लाइफ से संन्यास लेते हैं, आगे चल के श्री अरबिंदो आश्रम की नींव रखते हैं, और उसके बाद एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। श्री अरबिंदो जी योगा से लेके नेशनलिज्म तक का हर आइडिया को जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ना चाहते हैं। मैंने अरबिंदो जी का जिक्र इसलिए किया कि आप ये समझिए कि गांधी जी और अरबिंदो जी में बड़ा एक कोर कनेक्शन आपको नजर आता है। आप जब गांधी जी को भी पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर, तो गांधी जी कुछ पॉइंट्स को बहुत ज्यादा बात करते हैं, डिस्कशन में करते हैं, जैसे गांधी जी आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ठीक है, धर्म, इन सब चीजों की बात करते हैं। अब अगर आप गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि गांधी जी एक्चुअली इस तरह की बातें क्यों करते थे, क्या वो रिलीजियस लीडर थे एक, ठीक है, जबकि आपको अच्छे से पता होगा कि मोस्टली जो पॉलिटिकल थिंकर थे उस समय में वो गांधी जी को एक रिलीजियस लीडर नहीं मानते थे। तो गांधी जी जानते थे कि एक डोमिनेटेड जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से आती है और रिलीजन डोमिनेट करता है लोगों को, जैसा कि मैकियावेली कहा करते थे, ठीक है। तो गांधी जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो मास यू नो एक पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ सके और वो फेथ जो लोगों का है उसके बेसिस पे नेशनलिज्म को समझा सके। जैसा कि श्री अरबिंदो जी ने कहा, उन्होंने कहा इंडिया इज योर मदर एंड लाइक इंडिया इज माय मदर, आई एम टोटली डिवोटेड टू हर, ठीक है, कि मेरी माता है भारत और मैं पूरी तरह से उसको जो है समर्पित हूँ, और मैं यंग जनरेशन से भी कहता हूँ कि आप लोग आइए और आके अपना खून दीजिए भले ही, पर आप अपने देश की आजादी के लिए लड़े। तो इस तरह के एक आइडिया नजर आते हैं, जहाँ श्री अरबिंदो जी ये भी बोलते हैं कि वायलेंस इज नॉट टैबू, ठीक है, मेरे लिए वायलेंस टैबू नहीं है, अगर वायलेंस भी करना पड़े तो आई एम रेडी फॉर दैट। दूसरी तरफ योगा की बात करते हैं, ठीक है, और स्वराज की बात करते हैं। अब गांधी जी का स्वराज और श्री अरबिंदो का स्वराज दो अलग पर्सपेक्टिव पे आता है। जब श्री अरबिंदो जी स्वराज की बात करते हैं, स्वराज के विचार देते हैं, तो वो कहते हैं कि इंटरनल स्वराज होगा और एक्सटर्नल होगा, ठीक है, योग के माध्यम से आप इंटरनल स्वराज लेके आओगे, नॉलेज एनलाइटमेंट लेके आएगी,
जब आप सेल्फ एनलाइटेड हो जाएंगे तो पूरी आपके आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ भी आप एनलाइटेड कर देंगे। जब दिया जलता है तो वो खुद रोशनी नहीं में नहीं है बल्कि उसके आसपास की हर चीज़ भी रोशनी में है, कुछ इस तरह के विचार। अब जब गांधी जी आते हैं तो वो बेसिकली स्वराज को फ्रीडम के परस्पेक्टिव से जोड़ते हैं, तो वो कहते हैं पहले खुद इंटरनली फ्री हो जाइए, फिर एक्सटर्नली भी चीज़ें आपकी जो है सब अपने आप फ्री हो जाएंगी, ठीक है, कोई एक्सटर्नल आपके ऊपर कंट्रोल ना हो। तो इस तरह से दो अलग परस्पेक्टिव यहाँ पर आ जाते हैं। गोगू जी पूछ रहे हैं सर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के लिए कौन सी बुक बेटर है? बैनर्जी की बुक आती है, चटर्जी की बुक है मार्केट में, वो अवेलेबल होगी, आई थिंक आप उसको पढ़ लीजिए। बाकी इंडियन अभी देखिए बुक का बुक वाले क्वेश्चन पे मैं आप सबको बोलूँगा कि अनटिल अनलेस जब तक ये लॉकडाउन पीरियड खत्म नहीं होता बुक्स को लेके तो शायद हमारे क्वेश्चन व्यर्थ ही हैं, बिकॉज अभी ना ही आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर पाएंगे और ना ही शायद किसी भी तरह से हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल हो पाएगी। ओके आकृति जी पूछ रहे हैं कि सर पॉलिटिकल थिंकर्स को कैसे कनेक्ट किया जाए पॉलिटिकल थ्योरी के साथ और स्पेशली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के साथ। देखिए स्टूडेंट, मैंने पॉलिटिकल थिंकर्स और थ्योरी को कनेक्ट करने के जो तरीके हैं वो पहले भी कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप जब एक बार बहुत अच्छे से किसी थिंकर को पढ़ लेते हैं, जैसे कि अब हमने गांधी जी को पढ़ा, तो हम नॉन वायलेंस की जब बात सुनते हैं अहिंसा की बात, तो हम हमेशा गांधी जी से अहिंसा को जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गांधी जी ने खुद ने कहा है कि अहिंसा उनका खुद का विचार नहीं है, बल्कि उन्होंने एक जो एक रिलीजियस टेक्स्ट है भगवद गीता, उससे इस आइडिया को लिया है। तो इसी तरह से कोई भी थिंकर जब किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में बात करता है, थॉमस हॉब्स जब बात करते हैं सॉवरेन आइडियाज की, सॉवरेनिटी की जब बात करते हैं, तो ये जीन बुडीन का आइडिया है जिसको वो लेके आए। आगे चल के ये थ्योरी के तौर पर जब स्टैब्लिश होती है तो रियलिज्म जो एक हमारी एक मेन कोर थ्योरी है यथार्थवाद, वो जन्म लेती है इन विचारों से। शबनम जी किताबों के लिए भी आपको मैम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि बुक्स अभी अवेलेबल नहीं होंगी मार्केट में। जब ये थोड़ा पास का समय आएगा, जब लॉकडाउन कंप्लीट होना वाला होगा या जब खुल जाएगा, तो एट दैट टाइम मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बुक्स बता दूंगा। बाकी ऑलरेडी बुक्स के लिए जो वीडियो है मैंने शायद लास्ट क्लास में लिंक में वो शेयर किया था, तो आप लोग वहां से उस वीडियो को देख के हर टॉपिक पे कौन सी किताब चाहिए वो अवेलेबल है। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पे भी जो किताबें आपको चाहिए होंगी वो सब ऑलरेडी मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूँ। ओके रमान वानी जी पूछ रहे हैं सर हाउ कैन आई प्रिपेयर माय नोट्स। रमान जी सबसे पहले तो आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कि आप किस टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद नोट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। बट फिलहाल जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे हम उसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे, तो ये हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि हमें थिंकर्स को अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन कौन से थिंकर को हम एक साथ पढ़ें, किन किन थिंकर्स को हम जो है एक अलग सिनेरियो में पढ़ें। जैसे कि हम लोग जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को भी मर्ज करके पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप स्टार्ट करोगे कार्ल मार्क्स से, आप सबसे पहले कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बाद आप पढ़िए लेनिन को, लेनिन के बाद आप पढ़िए माओ को, माओ के बाद आप पढ़िए नोज़िक को, ठीक है। नोज़िक के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं कि करके आप बाकी सारे थिंकर्स को पढ़ते जाइए, ठीक है ना। आप इसी तरह से जब ग्राम्स्की को भी आप इसमें ऐड ऑन कीजिए, ठीक है। साथ ही आप जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आएंगे तो आप एम एन रॉय को पढ़ते हैं, एम एन रॉय के साथ आप जेपी को पढ़िए, ठीक है। तो ये पूरी चेन बन जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कार्ल मार्क्स से लेके चीज़ें अब तक आई, किस तरह से जो बेसिकली जो एक थ्योरी थी जिसको आप कम्युनिज्म कहते थे, ठीक है ना, वो किस तरह से आज इतने बड़े तौर पर स्टैब्लिश हो चुकी है कि पूरे के पूरे स्टेट सिस्टम ही उसको फॉलोअप करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। दूसरा, अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पे स्पेशली ध्यान देते हैं, तो जैसा मैंने बताया चार्टिंग बहुत ज़रूरी है। सारे रिलीजियस थिंकर को आप लोग एक साथ रखेंगे, आप बर्नी, इकबाल, कबीर, कबीर के साथ आप सावरकर को रख सकते हैं, आप पैरियार को रख सकते हैं। ऑल दो पैरियार और अम्बेडकर को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही थिंकर स्पेशली कास्ट सिस्टम को फोकस करके अपने विचार को देते हैं। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, स्पेशली थिंकर के परस्पेक्टिव पे। आप जब किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं तो आप एक थिंकर से रिलेटेड चार पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए,
ठीक है, ये बात पहले सब बच्चे ध्यान से सुनिए कि हमें किसी भी थिंकर में चार किन बातों पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हम थिंकर का बेसिक इंट्रो समझते हैं। बेसिक इंट्रो मतलब बेसिकली वो कहाँ से बिलोंग करता है, कोई ऐसा फैमिली मेंबर या कोई ऐसा करेक्टर उसका जिससे उसकी थ्योरी पे कोई फर्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम प्लेटो को जब पढ़ते हैं तो प्लेटो की फैमिली चेन बहुत बड़ी है, बट हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं बिकॉज हमें प्लेटो की फैमिली चेन से कोई लेना देना नहीं है। हम क्लास में एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट कुछ थिंकर ऐसे हैं जिनमें उनकी फैमिली चेन वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट मैटर्स अलॉट। तो पहला होता है बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, अब इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है हम उसको समझते हैं। तो आप जब किसी भी थिंकर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो पहला थिंकर कहाँ से बिलोंग करते हैं, मकैवली फ्लोरेंस से थे, प्लेटो एथेन से थे, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद उनकी अपब्रिंगिंग, क्या क्या एजुकेशन उन्होंने ली। अगर किसी थिंकर की एजुकेशन मेंशन नहीं है हमें, तो हमें जैसे कन्फ्यूशियस हैं तो कन्फ्यूशियस की बेसिक जो चाइनीज आर्ट्स थी उसमें उनकी नॉलेज थी, तो इसलिए एजुकेशन क्या है उस थिंकर की, हम लोग इन सब पॉइंट्स को पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है किसी भी थिंकर से रिलेटेड, ये उनका आइडियाज आते हैं। आइडियाज को हम पॉइंट टेक्निकली तो हमें इन आइडियाज को पहले रखना चाहिए, सेकंड नंबर पे रखना चाहिए, बट क्योंकि ये आइडियाज हमें उनकी राइटिंग से, उनकी बुक्स से, उनके टेक्स्ट से मिले हैं, तो टेक्निकली ये पॉइंट थर्ड पे चला जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा बनता है वो सारी किताबें, वो सारी चाहे वो उनकी बुक्स हो, चाहे वो कोई लेटर हो, या फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कोई बात बोली हो, हम इस चीज को पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट पे। थर्ड फिर हमारे उनके आइडियाज आ जाते हैं, जैसे आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो रिपब्लिका में उन्होंने क्या कहा, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे ग्राम्सकी की बिजनेस डायरी में उन्होंने क्या लिखा, आप ये सारे पॉइंट अपने आप थर्ड चीज पे आ जाएंगे। इसके बाद जब ये तीन पॉइंट को आप अच्छे से बहुत स्ट्रांगली समझ लेते हैं, आइडियाज में उन्होंने क्या क्या बोला, अब चौथा और लास्ट पॉइंट आता है किसी भी थिंकर की क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म दो फॉर्म में होती है, क्रिटिसिज्म एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बात करूं तो एरिस्टोटल जो भी प्लेटो के लिए कहते हैं, दैट वो सब कुछ एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था। एरिस्टोटल ने कभी ये नहीं कहा कि प्लेटो कुछ दिमाग में कम थे, या प्लेटो सोच नहीं पाए, या वो उस तरह की बातें नहीं कर पाए, बट एरिस्टोटल साफ साफ बोलते हैं कि प्लेटो की हर बात बिल्कुल सही है बट प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को लाने का ये पॉजिटिव है। जबकि आप अगर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को देखेंगे तो उनकी क्रिटिसिज्म करने वाले थिंकर्स बहुत नेगेटिवली इस थिंक उसको लेके जाते हैं। मैं प्रोफेसर कार्ली का एग्जांपल दूंगा बेंथनिज्म के, उसमें आप पिक फिलोसफी तक कह देते हैं, तो दैट इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ बिल्कुल हद तक जाके उन्होंने नेगेटिविटी में क्रिटिसिज्म कर दी। मकैवली की क्रिटिसिज्म करते हैं, शेक्सपियर कहते हैं कि बुड्ढा खूसट पागल हो गया है, ठीक है, शैतान को निमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है। तो इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है ये आप नोट डाउन करते हैं, तो इससे आपका एक थिंकर का जो पूरा नॉलेज है वो कवर अप हो जाता है। अब इसके बाद जो पांचवा स्टेप आता है वो बेसिकली वो स्टेप होता है कि आप क्वेश्चंस को देखें जो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर थिंकर से पूछे जा चुके हैं। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेटेस्ट पैटर्न में ये है कि जो एग्जाम अब तक हुए हैं उन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हर एरिया से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बहुत सारे एरिया जो नए सिलेबस के हैं वो अब तक अनटच्ड रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा, इट इज नॉट ये सफिशिएंट नहीं होगा कि हम ये कहें कि पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन आना है, तो उसपे हम ये मान के चलेंगे कि हम अपना बेसिक सब कुछ कवर अप करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर्टिकुलर एरिया से ही आने वाला है। तो इस तरह से चाहे अब ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में भी हमें यही चीज करनी है, बट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वर्सटैलिटी है तो ज्यादातर थिंकर एक दूसरे जैसी ही बातें कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा गांधी जी सोशल चेंज की बात करते हैं, रामाबाई सोशल चेंज की बात करती है, अंबेडकर सोशल चेंज की बात करते हैं, पेरियार सोशल चेंज की बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, कबीर सोशल चेंज की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमारे सारे थिंकर सोशल चेंजेस की बात कर रहे हैं। एमएन रॉय भी तो सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर चीजों को अलग निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थिंकर्स को मिला के पढ़ें, समझ के पढ़ें। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे आइडियाज को, तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या करना है। आप लिखेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी की बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आएगा कोर आइडियाज क्या है। तो कोर आइडियाज में आइडियाज किस किस एरिया में हम उसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले महात्मा गांधी स्टेट के लिए क्या सोचते हैं हम उस बारे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट होगा स्टेट। दूसरा हमारा जो आएगा हम लिखेंगे इकोनॉमी पे क्या सोचते हैं, तो हम इकोनॉमी पे लिखेंगे। तीसरा आएगा सोशल लाइफ पे क्या सोचते हैं, सोशल लाइफ के बारे में लिखेंगे। फिर आएगा रिलीजन पे क्या सोचते हैं, ठीक है वो आएगा। फिर आएगा बेसिकली वो मूवमेंट जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। और इसी तरह हम हर थिंकर्स का लिखेंगे। तो जब आप हर थिंकर के साथ ये पॉइंट्स लिखेंगे तो लास्ट में इन चीजों को समअप करना बड़ा आसान हो जाएगा,
ठीक है, आपको समझ में आएगा कि इस थिंकर ने, फॉर एग्जांपल अब गांधी जी ने जब सोशल चेंज की बात की तो ऑब्वियस ही बात है वुमेन ऑफ लिपमेंट की बात की, तो हम गांधी जी के आगे लग सकते हैं दैट ही इज अ फेमिनिस्ट ऑल्सो, ठीक है, अम्बेडकर इज अ फेमिनिस्ट, ठीक है, रामाबाई इज अ फेमिनिस्ट, ठीक है, तो हम इस तरह से लास्ट में सम अप कर पाएंगे कि ये सारे थिंकर फेमिनिज्म की बात करते हैं। जैसे कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में बात करते हैं तो प्लेटो के बाद सीधा जेएस मिल का नाम सामने आता है, बीच में कोई थिंकर ही नहीं है जो यू नो जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ डिस्कस कर रहा है। तो इसी तरह इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी हर थिंकर जो है वो पर्टिकुलरली एक फील्ड में जा रहा है। अगर आप इकबाल की बात करें तो आप उनको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं रख सकते, सावरकर को आप फेमिनिस्ट जो है पर्सपेक्टिव पे नहीं रख सकते, एम एन रॉय को आप नहीं रख सकते फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा जरूरी होता है कि आप एक चार्टिंग करते हुए चले। उब्रशी गोस्वामी सर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, उब्रशी जी आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आप एक काम कीजिए, आप बुक कोई फॉलो मत कीजिए, आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अगर समझना चाहते हैं तो इंडिया में अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद मेरा एक लेक्चर मैं डालूंगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है, इसी मंथ के लास्ट तक या तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा तो वो पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ ये उस समय समझ में आएगा, बिकॉज जैसा नेता, ठीक है, जो एक राज यू नो राज्य अध्यक्ष रहता है उसी हिसाब से फॉरेन पॉलिसी वर्क करती है, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो कि अभी के लीडर्स, पुराने लीडर्स, उनसे पहले वाले लीडर्स किस तरह के थे, रियलिस्ट थे या किस तरह के पर्सपेक्टिव रखते थे। रहमान वानी जी बोल रहे हैं सर इंटरनेशनल रिलेशन पे वीडियो जल्दी बनाएंगे, रहमान जी इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी। कुलदीप कुमार जी पूछ रहे हैं सर आपके पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आता। कुलदीप जी मैं माफी चाहूंगा कि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आ पा रहा है सर, ठीक है। समृद्धि जी पूछ रही है सर नॉन वायलेंस महात्मा गांधी है कहाँ से आया था। समृद्धि जी महात्मा गांधी भगवदगीता पढ़ा करते थे और भगवदगीता is based on to the philosophy of Sanatan Dharma, which has like a non-violence base hai Hinduism ka, jo agar Hindu text ko aap padhein to har jagah aapko non-violence dikhega padhne ko। Haan, दीपार्थी आर जी पूछ रहे हैं कि सर आईआर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली हम लोग आईआर को भी डिस्कस करेंगे। गीतांजलि जी पूछ रहे हैं सर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। गीतांजलि जी मैं नेक्स्ट जो भी सेशन होगा या मैं जल्दी ये भी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करूं, क्योंकि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में मैंने लास्ट सेशन में भी देखा था कई बच्चों को कंपेरेटिव में डाउट आता है, तो मैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो यूनिट नंबर 9 है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी आती है बिकॉज फिलोसफी है ज्यादातर थ्योरी वाला पार्ट है तो वो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो उन दो यूनिट्स को मैं पहले लेके चलूंगा आप लोगों के साथ, साथ ही बीच बीच में अपनी वेस्टर्न थॉट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, इन यूनिट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। आईआर के लिए मैं सेपरेट बड़ी लेंथी वीडियोस कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। बशर रानी बारिक सर जीरो लेवल से स्टार्ट करना है तो कैसे करें। मैम आप एक काम कर सकते हैं कि आप अगर जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ भी तो आप जो अवेलेबल नोट्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के आप उसको पढ़िए, ठीक है, वहां से आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। शबनम गोरी जी पूछ रही सर दोनों पेपर में कितना टाइम होता है। मैम टोटल मिला के आपको जो टाइम मिलता है वो बेसिकली अगर आप पेपर टू की बात करें तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, उस 2 घंटे के टाइम में आपको उसको कवर अप करना होता है, 100 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। चलिए आगे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पे आपका एक छोटा सा यू नो डिस्कशन हो गया, हम लोगों ने समझा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पे क्या क्या डिस्कस हम लोग कैसे उसको कवर अप कर सकते हैं, साथ ही अब बेसिकली मैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की एक डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और IGP को लेकर। तो देखिए IGP कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं अगर आप लगातार वीडियोस को देखते हैं सारी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि नंबर की वेटेज क्या रहती है। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के एग्ज़ाम अगर मैं लास्ट जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं सिलेबस चेंज होने के बाद भी तो 3 से 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से आते हैं और मैक्सिमम भी आते हैं तो 5 आते हैं, टेक्निकली आने चाहिए 10 क्वेश्चन बट ऐसा नहीं होता। तो वेटेज के हिसाब से कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बहुत कम वेटेज रखती है।
दूसरी तरफ बात करूं उन एरियाज की जिनको ये कवर अप कर रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है बेसिकली, नेशनलिस्ट मॉडल क्या रहा है यूरोप में, आउट ऑफ द यूरोप, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे एरिया हैं जो आपके करिकुलम में कभी आपने पढ़े नहीं है, इन सब चीज़ों को आप कभी पढ़ के नहीं आए, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को समझने से पहले आपकी जो पहली 3-4-5 यूनिट हैं उसकी कोर नॉलेज आपको बहुत अच्छे से हो। ज़्यादातर बच्चे जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं उसको ना समझ पाने का रीज़न ये होता है कि उनकी पहली 3 यूनिट, या मैं सही में बोलूँ तो पहली 2 यूनिट की नॉलेज बहुत कम होती है। उन लोगों को पता ही नहीं होता कि थ्योरी थॉट्स क्या है, तो उनको कंपेरेटिव पे आप सीधा जम करते हो तो उसमें टॉपिक ही वो आते हैं जिनको आप ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हो, ठीक है। अगर आप खुद सोचिए अगर वो यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट होती या कुछ होता या उसको बिना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के पढ़ा जा सकता तो शायद वो यूनिट नंबर 1 होती, ना कि अभी आपके 5th पोजीशन पे होती वो, ठीक है। तो इसलिए 4th पोजीशन पे, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कंपेरेटिव को पढ़ने से पहले आप पहली जो 3 यूनिट हैं उसमें बड़ा स्ट्रांगली आपको नॉलेज हो, तब तो उसको आगे बढ़ने का फायदा है। समृद्धि पूछ रही है कौन कौन सी जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। पहली 3 यूनिट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिलाती हैं, फिर यूनिट नंबर 5 और 6 से आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो बाकी की 5 यूनिट बचती हैं उनसे भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बट आप ओवरऑल अगर पेपर देखें तो आपके 100 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम पार्ट है एक्चुअली जो आपकी पहली 5 यूनिट हैं वो 60% से ज़्यादा सिलेबस को कवर अप कर देती हैं टेक्निकली, तो अगर मैं देखूँ क्वेश्चंस की वेटेज के हिसाब से देखूँ तो। बाकी यूनिट नंबर आपकी जो 7 और 8 है बेसिकली, और 9, 10 जो यूनिट हैं, ये यूनिट कवर अप करने के हिसाब से बहुत इजी यूनिट हैं। आप 15 दिन के टाइम पे भी इन चारों यूनिट्स को इजीली कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो ये यूनिट सबसे ज़्यादा कम टाइम लेती हैं, मैक्सिमम टाइम आपकी पहली 3 यूनिट ये जो है कवर अप करने में लगती हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा लेंदी पार्ट होता है, बहुत डिस्कशन चलता है, बच्चों को चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती। रीज़न ये होता है कि बेसिक बहुत वीक है इन सारे एरियाज के अंदर, तो वो एक पार्ट्स पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिकली चीज ये होती है, और आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को जब आप पढ़ने जाते हैं तो शायद इस यूनिट का नाम जो होता है वो नाम ही आपको ये बता रहा है कि आपको चीज़ों को कंपेयर करना है, ठीक है ना। आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, और अगर आपकी नॉलेज अच्छी है एक से ज़्यादा चीज़ों की, तभी आप कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से उसके आंसर दे पाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैं उनको कहूँगा कि आप यूनिट नंबर 9 को स्किप करके सीधा यूनिट नंबर 10 पे आइए, विच इज़ डील विद द इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उस यूनिट के अंदर मनरेगा, RTE क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप बहुत ईजिली पढ़ के कवर अप कर सकते हैं। यूनिट नंबर 9 में नो डाउट के आप में से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज, इस तरह की थ्योरीज आपके सामने आती हैं। अब हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर हैं और अलग अलग जो लेवल पे कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा आप लोग कभी पढ़ के नहीं आते, ना ही ग्रेजुएशन में ना ही मास्टर्स में। तो यूनिट नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत टफ साबित हो सकती है। वहीं यूनिट नंबर 7 जो है और 8 जो है, इसमें मैं आपको कहूँगा कि यूनिट नंबर 7 इज़ कंपेरेटिवली वेरी इजी यूनिट। हमारे पूरे सिलेबस में अगर कोई सबसे ज़्यादा ईजी 2 यूनिट है तो यूनिट नंबर 7 और 8 ही हैं, देन यूनिट नंबर 10 आती है। तो ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिन पे अगर आप अगर आप अपना फोकस करके चले अच्छे से तो शायद 10 दिन के अंदर कोई भी वो बच्चा जिसका बेसिक थोड़ा सा भी अच्छा है वो इन तीनों यूनिट्स को इजीली कवर अप कर सकता है, ठीक है। जो मेन फोकस आपको करना होता है वो आपकी पहली जो 5 यूनिट है मेन, मतलब मैं कंपेरेटिव को हटा के इसको बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5, 6 जो हैं, ये यूनिट पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आप इन 5 यूनिट्स को बहुत अच्छे से करके चले जाएं तो आई कैन अश्योर यू कि आपका एग्जाम इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट बाकी की 3 यूनिट जो मैं कह रहा हूँ आपको, यूनिट नंबर 7, 8 और 10, अगर आप इसको एड ऑन कर लेते हैं तो ओवरऑल आपने 8 यूनिट्स को कवर अप कर लिया है। 8 यूनिट्स में से अगर आप 70 क्वेश्चन, जो कि 80 आने चाहिए, आप 70 भी करके आते हैं तो आप JRF की कैटेगरी से भी ऊपर स्टैंड करेंगे। सो देयर इज़ वेरी इजी, आपको इस चीज़ में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की कंपेरेटिव कोई ऐसा पार्ट है किसी बच्चे के लिए कि उसको समझ नहीं आ रहा, तो डोंट पैनिक विद कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। मैं ऐसे बहुत से बच्चों से मिलता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हों या ऑनलाइन क्लासेस हों, जो बच्चे हमेशा सिलेबस को लेकर बड़े कंसर्न रहते हैं कि सर सिलेबस हो जाए, बस सिलेबस हो जाए, ठीक है, और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। होता यह है कि सिलेबस पूरा होता है और ऐसे बच्चे जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे अलग अलग स्टेप रखते जा रहे हैं, बट पीछे की चीज़ को मजबूत नहीं होने दे रहे। आप लोगों ने कभी कंस्ट्रक्शन का कोई एक्टिविटी देखी हो, अगर कोई घर बनता है, फ्लोर्स बनते हैं,
तो पहले जब सबसे पहले बार लेंटर डाला जाता है, उसको मजबूत बनाया जाता है, जो नींव होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, उस नींव पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है. फर्स्ट जो लेंटर डलता है किसी भी घर का, शायद उसमें महीने का टाइम लग जाता है, बट उसके बाद का कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाता है. तो सेम काम हमारे सब्जेक्ट के साथ भी है कि पहली 3 यूनिट आपका टाइम लेंगी, बहुत टाइम लेंगी. आप टाइम दीजिए, अपने बेस को बहुत मजबूत कर लीजिए, उसके बाद बाकी की चीजों की जो जो फाउंडेशन जब बहुत मजबूत होगी तो बाकी की चीजें इजिली जो है कवर अप हो जाएंगी. ज्ञान गंगा जी, आप सिलेबस लिख रहे हैं सर, धन्यवाद. आई थिंक सिलेबस सब बच्चों के पास होगा, और कोई किसी को डाउट हो सिलेबस को लेके तो, क्योंकि अभी आई थिंक कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि सर जो यूजीसी की साइट है वो वर्क नहीं कर रही है, सिलेबस डाउनलोड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो सिलेबस को लेके अगर प्रॉब्लम आए किसी बच्चे को तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी कैन प्रोवाइड यू द सिलेबस. नहीं सर, लोग प्रशासन के सिद्धांतों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. रीजन ये है कि क्वेश्चन बड़े ये सिद्धांत जो है ज्यादातर जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, जो अगर आप बात करेंगे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें इनडेप्थ जाके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. ज्यादातर क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स से आते हैं बहुत बेसिक ही लेवल के होते हैं. शबनम गौरी जी पूछ रहे हैं सर पढ़ने का सही तरीका बताइए. मैम, पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आप जो भी पढ़ते हैं आप उसको जब भी आप स्टडी करने बैठे तो हमेशा एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए. आप किसी भी चीज को पढ़ें तो एक नोटबुक के साथ हमेशा पढ़िए. जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको लिखते जाइए. जब मैं भी कुछ पढ़ता हूँ आज भी, तो आप लोगों के और हमारे लेवल में एज अ टीचर और स्टूडेंट बहुत फर्क आ जाता है. आज आप एक किताब पढ़ने बैठेंगे तो आप एक एक पेज को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. बट हम इतनी सारी किताबें पढ़ चुके होते हैं कि हमें आइडिया होता है कि किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे लेस फोकस करना है. तो मैं हाईलाइटर का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, हाईलाइटिंग करता जाता रहता हूँ, उन पॉइंट्स को नोट करता रहता हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो. ठीक है, तो इससे होता यह है कि उस पर्टिकुलर बुक को या नोट को या जो भी फॉर्म में आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी अगर आपके पास है तो आपको उसको दोबारा से अगेन एंड अगेन सेम चीज को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती. आपकी ऑलरेडी खुद के एक सेल्फ नोट प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप जब भी दोबारा स्टडी करने बैठेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं वहां से. तो एक ये बेस्ट अप्रोच रहती है. कभी भी अगर आप स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं तो फिलोसफी बहुत कंफ्यूज करती है. ठीक है, तो वहां पे बेस्ट अप्रोच रहती है. बट एट द लास्ट ऑफ टुडेज सेशन मैं आप सबको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा फोकस जो आप लोगों को करना है वो 5 यूनिट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आप करेंगे. पहली 3 यूनिट और यूनिट नंबर 5-6. ठीक है, ये यूनिट आपकी एक्सट्रीम फोकस वाली यूनिट होनी चाहिए. ठीक है, रीजन ये है कि अगर इन यूनिट में आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो आपका 50% सिलेबस यहाँ पे कवर अप हो जाता है. उसके बाद आप यूनिट नंबर 7-8 पे जाइए और यूनिट नंबर 10 पे जाइए. ठीक है, आपका लगभग 70% सिलेबस खत्म है और बहुत अच्छे से खत्म है. इन दैट कंडीशन आप इजिली जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, उससे अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं. शबनम गौरी जी पूछ रहे हैं सर अब तैयारी का सही तरीका. शबनम जी, वो तैयारी का ही सही तरीका था. तरीका यही था कि आप अपने नोट्स बनाइए. ठीक है, अपने नोट्स से आप स्टडी कीजिए. जब आप बेसिक चीजों को पढ़ लेंगे फिर आप कोर एरिया पे जाइए. उदाहरण के तौर पर जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप पहले जो बेसिक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रही है यूनिट नंबर 7 अगर आप पढ़ के इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा. ठीक है, प्रॉब्लम उन बच्चों को आएगी जिनको इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इंडिपेंडेंस की नॉलेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की नॉलेज नहीं है, तो इन सब चीज़ों में आती है. बी आर अम्बेडकर जी को आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका क्या रोल है ये इंपॉर्टेंट आता है. तो नॉर्मली जब क्लासेस में मैं बी आर अम्बेडकर जी को पढ़ाता हूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये पार्ट है जिसमें बी आर अम्बेडकर जी एड ऑन होते हैं, आर्टिकल 32 एंड ऑल. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि अम्बेडकर जी के टॉपिक में ही इसको एड ऑन कर देता हूँ ताकि बच्चों को एक डबल नॉलेज फर्निश हो जाती है. यहाँ तो वो पढ़ते ही हैं, जब वो IGP जाते हैं तो दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज करते हैं, इजिली कवर अप हो जाती हैं चीज़ें. तो ये तरीका रहता है. हाँ, ये फॉर श्योर है कि IR के टॉपिक्स जो हैं वो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि IR में जो पहले बेसिकली अगर मैं थ्योरीज की बात ही करूं तो थ्योरीज को पढ़ना और समझना सबसे ज़्यादा टफ IR में इसलिए हो जाता है बिकॉज मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है. भारत की रियलिज्म वैसी नहीं है जैसी इसराइल की है, और अमेरिका उस तरह से रियलिस्टिकली वर्क नहीं करता जैसे रशिया करता है. तो आप जब IR को पढ़ते हैं तो IR को पढ़ने के लिए भी आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, जब मैं आपको IR पढ़ाऊंगा तो मैं एक बेसिक एक फ्रेमवर्क क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का, एरिया स्टडीज में आगे बढ़ने का, पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, फिर हम उस यूनिट में आगे बढ़ेंगे.
तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, जो भी डाउट आता है आप मुझसे पूछिए, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी रिलेटेड डाउट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा मैं आपकी यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे अब सेम क्वेश्चन अगेन समवन आस्क अबाउट द बुक, तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए नीचे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी लाइव सेशन का पार्ट बने आप लाइव सेशन में हमेशा फोकस ये कीजिए कि आप जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप वो मुझसे पूछ लीजिए। जैसे कि किसी को कहीं प्रॉब्लम आए, अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में किसी ने कहा था कि सर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में प्रॉब्लम आती है, तो क्या प्रॉब्लम आती है एग्जैक्टली आप वो मुझे बताइए, सो आई एम एबल टू आंसर, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। ओके चलिए आज के लिए सबको गुड इवनिंग, आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए घर में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।